नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके भरोसे एवं सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरबीआई की तरफ से सभी बैंकों खाता धारकों को दिया हैप्पी न्यू ईयर का जबरदस्त तोहफा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर दी बड़ी घोषणाएं। पेंशनर, सैन्य कर्मी, केंद्रीय कर्मचारियों, सर्विंग पर्सनल के साथ साथ सभी अवश्य देखें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि आरबीआई की तरफ से क्या क्या घोषणाएं की गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, दैनिक जागरण में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों के खाता धारकों के हित में बहुत ही स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अगर बिना चिप वाले कार्ड धारक से धोखाधड़ी हुई तो बैंक देंगे हर्जाना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अगर बिना चिप वाले जो पुराने कार्ड चल रहे हैं, मैग्नेटिक वाले, जिनको बंद करने के लिए आए दिन समाचार आ रहे थे कि 31 दिसंबर के बाद बिना चिप वाले कार्ड नहीं चलेंगे, आपको ये बता दें कि वो आपके कार्ड चलते रहेंगे, अभी बंद नहीं होंगे। ये आरबीआई ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और अगर उनके कार्डों से कोई धोखाधड़ी हुआ, कुछ फ्रॉड हुआ, तो उसका जुर्माना बैंक भरेंगे। जी हाँ दोस्तों, कार्ड धारक की उसमें कोई जवाबदारी नहीं है, कार्ड धारक निश्चिंत रहें, उसका जुर्माना बैंकों से ही लिया जाएगा। यानी कि कार्ड धारकों के साथ अगर कुछ धोखाधड़ी होती है तो उसकी भरपाई संबंधित बैंक ही करेंगे, क्योंकि 2015 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये 31 दिसंबर 2018 तक मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले जितने भी एटीएम और क्रेडिट कार्ड थे उनको चिप वाले कार्डों में बदली करने के निर्देश दिए थे। तो बैंक उन निर्देशों के पालन करने में फेल हो गए और बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के कार्ड सही सीमा के अंदर अंदर नहीं परिवर्तित किए गए, नहीं चेंज किए गए। तो दोस्तों, ग्राहकों की तकलीफों को देखते हुए जब तक बैंक अपने कार्डों को नहीं बदलवा पाते हैं, पुराने कार्ड आपके चलते रहेंगे। बैंकों का मानना था कि आरबीआई इस डेट को एक्सटेंड कर देगा, लेकिन आरबीआई ने डेट एक्सटेंड करने से मना कर दिया। और जब तक आप ग्राहकों के मैग्नेटिक वाले कार्डों को चिप वाले कार्डों में नहीं बदल देते हो, तब तक वो पुराने कार्ड जारी रहेंगे और उससे हुआ अगर कोई नुकसान तो उसकी भरपाई संबंधित बैंक ही करेंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।